पोस्ट ऑफिस सूपी सूपी एक किलोमीटर है जी। सोंग में है ग्रामीण बैंक, 10 किलोमीटर। तो आप पैसे निकालने के लिए कहाँ एटीएम वगैरह कुछ नहीं? ग्रामीण बैंक है वहाँ, ग्रामीण बैंक के एटीएम तो होते हैं? नहीं है तो अभी यहाँ। तो मतलब अगर आपको पैसे निकालने पड़े तो आपको कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? 25 किलोमीटर। आने जाने में ही कितना पैसा लग जाएगा आपका? हमारा लगता है आने जाने में 500 रुपया। 1000 निकालने तो 500 गए। यहाँ पर टोटल कितने परिवार रहते होंगे? 45। तो आपके वहाँ फिर लोग इंटरनेट वगैरह वो सब नहीं यूज करते हैं? यूज तो करते हैं, कहीं दूर दूर जाते हैं ऊपर, मतलब जैसे जहाँ नेटवर्क मतलब वो करेंगे तो वहाँ जाते हैं। तो आपके वहाँ सबके पास मोबाइल है? नहीं, सबके पास तो नहीं हुआ। बन पंचायत होगी जी, गेहूँ जौ, अच्छा राजमा, घोड़े भी है, खच्चर भी हुई है, बद्री गाय, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास जमीन नहीं हो। पानी की तो दिखती है, बहुत दिखती है। अच्छा, जो आपके यहाँ जो पानी आ रहा है ना, कौन लाया? आपके वर्ल्ड बैंक से आया या गांव ने अपने अपने हिसाब से किया है? विश्व बैंक से आया। आपको सरकार की ओर से डस्टबिन नहीं मिले हैं? डस्टबिन नहीं मिले हैं, ये खाली रोडों में उधर उधर लगे हैं। बाकी मैं तो अगले वाले गांव में वहाँ तो मिले हैं। हाँ, यहाँ नहीं मिले हैं, यहाँ खाली वहाँ लगा रखे हैं, जैसे कि मंदिर है, स्कूल है, प्राइमरी। कितने साल पहले बंद हुआ जूनियर? अभी हो रहा है। क्यों हुआ बंद? बच्चे नहीं थे या टीचर? बच्चे नहीं थे, कोई योजना नहीं। आप लोगों की आजीविका का मेन साधन क्या है? बस यही ठहरा जी, अपना तो वही झाड़ी मजदूरी वाला काम ठहरा, और क्या होता है, खेती बस। जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को पेंशन मिलती है? वृद्धा पेंशन है? हाँ, वृद्धा पेंशन। जो किसान लोगों को धनराशि मिलती है? मिलती है, साल की 6000। हाँ, मिलती है। मनरेगा तो चलती है, लेकिन बजट ही नहीं मिल रहा है। उज्ज्वला से गैस मिली है कुछ लोगों को? उज्ज्वला? हाँ, मिली है। जब आपको किसी विभाग में कोई काम होता है जी, वहाँ जाते हैं तो आपकी सुनवाई होती है या नहीं होती है? कहते हैं कि आज होगा या कल होगा। हाँ, बोला कि वो आज होगा कल होगा, कभी टाइम नहीं है, कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। हाँ, टाइम से होता नहीं है। तो जो ANM सेंटर है उससे आपको पूरी सुविधा मिलती है? सुविधा क्या मिलती है? उन्हें भी बोला कि उधर जाना, आगे जाना, ये तो हल्द्वानी बोलेंगे, ये तो वहाँ बीच में अल्मोड़ा, बोला कि वहाँ जाना, वहाँ दिखा देना। शराब और आपका कितना प्रचलन है गाँव में? ऐसा है कि आप इस समय तो आप शराब तो जहाँ शराब है तो वहाँ सब कुछ है, जहाँ शराब नहीं है तो वहाँ मतलब है, सभी लोग पीते हैं, सभी मतलब चलन है। क्या कोई ऐसा भी है जिसके शराब पीकर डेथ हुई है? नहीं, ऐसा नहीं। शराब की वजह से घर में जो कलह कलेश होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। लड़कियों को भी यहाँ लड़कों की तरह ही पढ़ाया जाता है? बिल्कुल जी। मीटिंग्स में आप महिलाओं को भी बुलाते हैं? महिलाओं का ही तो मतलब अधिकार महिलाओं का ही है। कोरोना में अरे गांव के सभी बच्चे जो प्राइवेट नौकरी वाले थे वो सभी आ गए। कोरोना ठीक हो फिर गए वापस, यहीं रहे वो, बाद में गए। सब्सिडी वगैरह? सब्सिडी नहीं मिलती है। तो आप खेत बैल से जोतते हैं? बैल से भी जोतते हैं और ट्रैक्टर से जोतते हैं। अपने पैसों से खरीदते हैं? बिल्कुल जी, वो तो अपने पैसों से ही खरीदते हैं। आपको सोलर पैनल वगैरह सब यहाँ पे हैं? सोलर पैनल हाँ है ही। फिर क्या हुआ? अब रोड के कारण ध्वस्त हो गया है, उसकी नहर टूट गई। अच्छा, टूटने के बाद क्या हो गया? वो बंद हो गया है, नीचे ये बंद हो गया है। तो उसके बाद कोई उन्होंने उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए कोई रिपेयर कुछ नहीं किया? विभाग को कितने बार बोला कि रिपेयर कर दो, विभाग ने कोई सुनाई नहीं की है। बोला कि अब इसमें कोई नहीं करेंगे तो इतना मतलब करोड़ों का पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए सड़क के वजह से ही तो नहर बंद हो गई है ना, पूरी टूट गई है, पूरी नहर खत्म है। अच्छा, आप क्या करते हो बेटे? मैं ग्रेजुएशन करती हूँ। महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं तो वो पैड्स वगैरह यूज करती हैं? जैसे हम जैसे होते हैं तो हम लोग तो करते हैं, जो महिलाएं होते हैं वो लोग कोई यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे मिल भी नहीं पाते हैं। जैसे हम तो स्कूल के बच्चे, हम लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी है, यहाँ पे आता है प्रॉपर नहीं आ पाता है। जैसे कभी आ गया तो ज़्यादा स्पीड से नहीं आता है। पर मंदिर है बैछमदार मंदिर, उस मंदिर के पास में जाना पड़ता है, एक एक घंटे तक वहाँ पर रहना पड़ता है, तब जाके हम अपना काम कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं यहाँ पे एजुकेटेड हैं या नहीं है? तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर पढ़े हुए, पड़ता है जैसे पीरियड्स के टाइम पे हर किसी को अलग रहना पड़ता है यहाँ।
थे हम, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं लोगों के सामने प्रॉपर हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, तो इस चीज़ में हमें भी होता है कि हम भी अभी पब्लिक स्कूल में पढ़ते तो हम भी उस चीज़ में आगे होते, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कुछ नई पहचान बनाना चाहते हैं। वहाँ पे ग्राम प्रधान को तो आप जानते होंगे ना? हाँ जानते हैं। जैसे आपके गांव में ग्राम प्रधान जो है महिला है। हाँ महिला है। मतलब कितना फायदा हुआ है एक महिला ग्राम प्रधान क्या, होने की क्या फायदा होता है? जो महिला प्रधान बन रखी है वो बनी तो प्रधान है, सिर्फ नाम के प्रधान बन रखे हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं है। उनका जितना भी कार्यकाल होता है उनके पति संभालते हैं, वो रहते प्रॉपर बागेश्वर में है। उनको क्या पता हमारे गाँव में क्या हो रहा है क्या